मैथोडिस्ट चर्च हरचवा और तमाम जो साडे लोकल पास्टर साहबान ने सारिया का ही सहयोग है साढ़े ना असी सारे ने मिल करके ये रोस जिहड़ा कढ रहे हैं और इस रोस के जिहड़े तीन मकसद ने। सब तो पहला मकसद है कि असी अपनी जिहड़ी सेंटर सरकार वा उहदे तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकी कि जो भी हिंसक घटनावां ईसाई समाज के खिलाफ हो रही हैं मणिपुर दे विच उहदे उत्ते गौर किया जाए और उस जगह पर शांति कायम की जाए। दूसरा साडा मकसद अज दा रोस जिहड़ा प्रदर्शन कढ़न दा है वह है कि जो मानसिक रूप से जिहड़ी बीमारी है बीमारी कादी है उहदे लई मैं उदाहरण देकर के स्पष्ट करांगा कि जिवें मणिपुर दे सीएम बीरेन जी ने यह बयान किया कि जिदण वीडियो वायरल हुई आ नगन है औरतों की जिदन वीडियो वायरल हुई आ उस दिन उन्होंने बयान आता है कि यहोजियां तो 100 वीडियो आ मेरे यदा मतलब जेकर 100 वीडियो आ तो बई तुम हूँ तक तो बहुत एक्शन ले लेना चाहिए सी आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे और अजिही मानसिकता की दे विच बहुत जिहड़े लोग जिहड़े आ रह रहे जिदा करके कि औरतां इस अजिहियां घटनावां दा शिकार हो रही है। तो साडा दूसरा रोष है इस गल नूं लै करके कि लोग जागण अजिहे लोगों के प्रति अजिहे नेतावां के प्रति और जाग करके एक सही सरकार का चुनाव जिहड़ा कर सकन और जिहड़ा साडा तीसरा मकसद है लोगों नूं ही जगाउणा अपने हक्कां नूं लै करके अपनियां मंगां नूं लै करके अज साडा हक आ कि असी सुरक्षित तौर पर अपने देश में जिहड़ा आ कि और ये जिहड़े तीन मकसद आ साडे इस रोस प्रदर्शन दे जिहनूं लै करके असी समूह कलीसिया दे नाल अगे वध रहे हां और कुछ जथेबंदियां साबका फौजी जथेबंदियां भी साढ़े नाल आ जो सारे ही पास्टर साहबानां दे नाल मिल करके जिहड़ा साडा साथ दे रहे आ। सो सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद और ये मैसेज मैं सारी कौम तक और पूरे अपने देशवासियों तक पहुँचाना चाहुंदा आ कि इस नूं असी धार्मिक मुद्दा ना समझिए कि सिर्फ ईसाइयां ते एक ऐसा मुद्दा आ कि जिहदे विच इंसानियत शर्मचार हो रही है और चाहे असी ईसाई हाँ सिख हाँ मुसलमान हिंदू हाँ सानू इन्हां चीज़ों के खिलाफ जिहड़ा इकट्ठे होकर के आना चाहिए आ क्योंकि ये किसी नाल भी हो सकता है जिहड़ी अग फैल रही आ वो अग किसी भी पासे वल जा सकती है। तो सानू सारयां नूं मिल करके इस चीज़ के रोस जिहड़ा प्रदर्शन करते हुए सरकारां तक यह गल पहुँचाउणी चाहिए आ कि साडी मनुखी कौम नूं सुरक्षित किया जाए चाहे अं किसी भी धर्म नाल संबंध रखते हाँ चाहे किसी भी जाति नाल संबंध रखते हाँ आफ्टर ऑल असी इंसान हाँ और इंसान होने नाते साडा सारयां दा प्यार नाल अगे वधना मुनासिब फर्ज है खुदा सारे नूं। तो अज इस रोस मुजाहरे का और इकट्ठ का मुख मुद्दा है मणिपुर में हुई दर्दनाक घटना जिमें कि साढ़े पूजा साढ़े गुरुओं ने कहा कि सो क्यों मना के जमे रजान और इस तहत वह अलबा कुड़िया औरतों नंगा करके नगन अवस्था करके और पूरे बाजार घुमाया गया और इतने आने के साडे मुख दो कारण ने एक ये कि असी समाजिक प्राणी हैं और सारे धर्म मजहब एक ने मजहब नहीं सिखाता किसी से बैर रखना और दूसरा मुख कारण है कि जिहड़ी बीबी ने त्रासदी हुई है वह एक साबका सैनिक से और उन्होंने इंटरव्यू में देख के बहुत भावुक होए और साढ़े भी मन च उदासी हुई कि उसने 1999 की कारगिल जंग लड़ी सी और उन्हें बड़ा भावुक सौरा में कहा है कि मैं देश की रक्षा तो कर सकिया पर मेरी बदकिस्मती कि मैं अपने परिवार की राखी नहीं कर सकिया। सो ये सांप्रदायिक दंगे धड़ेबंदियों के दंगे ये गौरमेंटा के इशारे ते हुंदे ने। सो इन्हां तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना है कि साडे सारे समाज सेविया नूं और साडे जिन्ने भी मजहब धर्म ने कौमां ने इन्हां नूं इन्हां दी उंगल तो बच के रहना चाहिए ताकि इहो जिहे कम्मां नूं अंजाम ना दिता जा सके। सो एक गल होर कि शासन प्रशासन और प्रिस्ट सिस्टम की देन कि यह कार्रवाई 4 मई को होती है 18 मई तक कोई रिपोर्ट नहीं होंगी 21 जून FIR होंगी है तो पहले 77 दिन इतने एक भी गिरफ्तार नहीं करते और 78वें दिन एक गिरफ्तारी होंगी है जदों के ये वीडियो ओपन है और सारे बंदे आम दिखाई दे रहे हैं। सो ये जेड़े रोस मुजाहरे और धरने हड़ताला ने एक साडा राइट है कि अन्नियां गुंगियां बोलियां सरकारां दे कन्नां तक आवाज़ पहुँचाई जाए तो इसे तहत हलका हरचवाल के इलाके के संगतां ने इकट्ठा होकर यह आवाज़ नूं बुलंद किया और उत्थे पहुँचाउण की कोशिश की। पूजा आ गए तुसी
ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਐਕਟਿਵਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਐਕਟਿਵਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਆ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇਗੀ ਉਹ ਐਸੀ ਥੋੜੀ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢੇਗੀ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਂਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਈ ਵਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ